तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग सिल्सवेलेखें तो जैसा कि आपको पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं कुछ वॉन्ट्स होती हैं कुछ डिमांड्स होती हैं अगर आपने नीड वॉन्ट डिमांड क्या होता है नहीं देखा है तो हमारे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से नीड वॉन्ट डिमांड समझ सकते हैं या फिर आपको वीडियो के अंध में थंबनेल में भी मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं तो सभी ह्यूमन बींग्स की कुछ नीड्स होती हैं कुछ वॉन्ट्स होती हैं कुछ डिमांड्स होती हैं और उस नीड वॉन्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं देर इज अ रिक्क्वायरमेंट ऑफ सम प्रोडक्ट इट मे बी गुड सर्विस और एनी अदर थिंग दैट फुलफिल द ह्यूमन नीड एंड वॉन्ट्स यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा को या चाहे वो गुड हो चाहे सर्विस हो या फिर कोई और चीज़ हो जिससे कि ह्यूमन की नीड वॉन्ट्स डिमांड फुलफिल होती है अब ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आता है तो दैट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड बाई द डिफरेंट मैनुफेक्चरिंग सर्विस ऑफ प्रोवाइडर कंपनीज तो इस ह्यूमन की नीड वॉन्ट डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है कोई मैनुफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है आइए एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए ह्यूमन है ह्यूमन की कुछ नीड वांट या डिमांड होती है उस नीड वांट, डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या होता है प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कहाँ से आता है मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन उसको डेवलप करता है और मैनुफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके क्या करता है क्रिएट करता है कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है किसको सेटिसफाई करने के लिए किसको सेटिसफाई करने के लिए ह्यूमन को अब ये पूरा फिगर आप समझने की कोशिश करें ह्यूमन जो है उसकी नीड व डिमांड होती है उसको प्रोडक्ट बना उसकी नीड वॉन्न डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट जो है मैनुफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है क्रिएट करता है कम्युनिकेट करता है डिलीवर करता है ह्यूमन को ह्यूमन क्या होता है सेटिसफाई होता है तो यही मार्केटिंग का काम है मार्केटिंग का काम क्या है कि वो ह्यूमन की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करे और प्रोडक्ट प्रोवाइड करके ह्यूमन को सेटिस्फाई करे दैट इज़ मार्केटिंग तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो आप अब इजीली मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं क्या कि आइडेंटिफाइंग एंड सैटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वॉन्ट्स प्रॉफिटेबली ओके आपने जैसा कि पहले देखा कि क्या था कि हमने आइडेंटिफ़ाई किया कि ह्यूमन की नीड या वांट या डिमांड क्या है और उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाया उसको क्रिएट किया उसको कम्युनिकेट किया और डिलीवर किया कस्टमर को जिससे कि क्या हुआ वो सेटिस्फाई हुआ ह्यूमन की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया और हमने प्रॉफिट भी अर्न किया सी बात है अगर कस्टमर परचेज करेगा हमारा प्रोडक्ट बाबा परचेज करेगा तो हमें कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है सिंगल लाइन की कि आइडेंटिफाइंग एंड सटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय फिलिप कोटलर ये डेफिनेशन फिलिप कोटलर जो कि बेस्ट रिनाउंड ऑथर हैं मार्केटिंग के फिलिप कोटलर उन्होंने ये डिफिनेशन देखी आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड प्रॉफिटेबली इज मार्केटिंग दूसरे टर्म्स में बात करें कि मार्केटिंग क्या होता है तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर Creating, communicating and delivering value to customer in ways that benefit the organization and its stakeholders. is इस डिफिनेशन की बात करें तो मार्केटिंग क्या है एक function फंक्शन है kya क्या है organizational function फंक्शन jisme जिसमें कुछ प्रोसेस होते हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं क्रिएट करना कम्युनिकेट करना एंड डिलीवरिंग वैल्यू ठीक है क्रिएट करना यानी कि प्रोडक्ट को बनाना कम्युनिकेट करना यानी प्रोडक्ट जो बनाया है उसके बारे में लोगों को बताना और डिलीवरिंग वैल्यू बताने के बाद उस वैल्यू को उस प्रोडक्ट को मार्केट तक डिलीवर करना मार्केट तक पहुंचाना जिससे कि कस्टमर उसको परचेज कर सके और इससे क्या होगा इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा कस्टमर की नीड वांट्स फुलफिल होंगी और स्टेक होल्डर्स जो है उस कंपनी के उनको भी फायदा होगा तो मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स ये डिफिनेशन दी गई थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा मार्केटिंग की definition. तो एक डिफिनीशन जो है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिसफाइन ह्यूमन नीड एंड वॉन्ट प्रोफिटेवली फिलिप कोटले द्वारा दी गई वहीं पे दूसरी डिफिनीशन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन और केटिंग कम्युनिटी कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स ये वाली डिफिनीशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई थी एक दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं जिसमें कि सोसाइटल के लिए दी गई है सोसाइटल डिफिनेशन है सोसाइटल डिफिनेशन बाय फिलिप कोटले द्वारा दी गई थी तो मार्केटिंग इज ए सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ वॉट दे नीड एंड वॉन्ट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स ये डिफ्रेशन दी गई फ्लिपकोट जिसमें कि सोसाइटी सोसाइटी के बेस पे था कि मार्केटिंग क्या एक सोसाइटल प्रोसेस है मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स यानी कि इंडिविजुअल यानि कि हम लोग ये ग्रुप्स मतलब कि फैमिली सोसाइटी ऑप्टेन वॉट दे नीड एंड वॉन्ट्स यानि कि वो जो चाहते हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स जो चाहते हैं वो ऑप्टेन करते हैं कैसे क्रिएट करके बना के ऑफर करके और एक्सचेंज करके क्या एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स तो ये तीन इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन्स हैं मार्केटिंग के जो फ़िलिप कोटला द्वारा और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दिए गए थे और होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग क्या है मार्केटिंग इज न थिंग मार्केटिंग सिंपल सा है कि जो ह्यूमन की नीड एंड वांट्स है उसको आइडेंटिफाई करिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करिए और कस्टमर तक उसको डिलीवर करिए और प्रॉफिट अर्न करिए दैट इज़ मार्केटिंग अब हम बात करें मार्केटिंग तो मैनेजमेंट की तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करना मार्केटिंग को दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है आर्ट और साइंस है टारगेट मार्केट को चूज करना और उसमें जो टारगेट मार्केट है उसमें कस्टमर्स को पाना उनको बढ़ाते रहना गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग अब कैसे करेंगे आप कस्टमर कैसे पाएंगे कैसे बढ़ाएंगे तो क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू आपका सुपीरियर कस्टमर वैल्यू देंगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे और कस्टमर बढ़ते जाएंगे तो आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट ये डिफिनेशन देखिए थी फिलिप कोटर द्वारा अगर हम बात करिए नेचर ऑफ मार्केटिंग ने की मार्केटिंग कैसा होता है तो डायनेमिक प्रोसेस यानी कि ये फिक्स नहीं है ये डायनेमिक है हमेशा चेंज होता रहता है और कंटिन्यूस प्रोसेस है कस्टमर ओरिएंटेड होता है मार्केटिंग जी हाँ जैसा कि आपने पहली लाइन में डिफिनीशन देखा होगा कि आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वर्ड्स यानी कि कस्टमर की नीड एंड वर्ड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसी को सेटिस्फाई करते रहिए कस्टमर ओरिएटेड होता है ऑल इन कपैसिंग यानी कि सब कुछ इंक्लूड करता है यानी कि सिर्फ मार्केटिंग है एचआर नहीं इंक्लूड करेगा फाइनेंस नहीं चूल नहीं ये सभी डिपार्टमेंट को सभी चीज़ को इंक्लूड करता है इंटीग्रेटिंग फंक्शन होता है यहाँ मार्केटिंग क्या है इंटीग्रेटिंग है एक से लेकर सभी चीजों को जोड़ता है क्रिएटिव मार्केटिंग करने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि डिजाइन क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर तभी वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक फंक्शन है क्योंकि मार्केटिंग की वजह से सेल्स बढ़ती है प्रॉफिट बढ़ता है तो इकोनॉमिक फंक्शन होता है मार्केटिंग इज ए मैनेजर फंक्शन ऑब्वियसली क्योंकि हम मार्केटिंग में मैनेजमेंट के फंक्शन को भी अप्लाई करते हैं प्लानिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोल तो मार्केटिंग क्या है मैनेजर फंक्शन है मार्केटिंग क्या है सोशल प्रोसेस है जैसे कि आपने डिफ्रेशन भी देखा कि क्या है इसमें हम प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं तो ये सोशल प्रोसेस है मार्केटिंग है डुअल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो मार्केटिंग के दो ही मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं और भी और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन तो मेन जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है प्रॉफिट मेकिंग और कस्टमर सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्कोप ऑफ मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग हम क्या कर सकते हैं तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर नीड एंड वार्ड्स सबसे पहले हम करते हैं कि कंज्यूमर की नीड एंड वार्ट को स्टडी करते हैं मार्केटिंग में देन हम कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट करते हैं यानी कस्टमर के नीड एंड वार्ट को अपने स्टडी कर लिया कस्टमर की बिहेवियर को स्टडी लिया उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं और डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को फिर उसको ब्रांड करते हैं यानी नेम देते हैं पैकेजिंग के बारे में सोचते हैं कि कैसा पैकेज होगा प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितनी है कितनी नहीं है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कस्टमर तक पहुँचे होलसेल रिटेल के थ्रू प्रमोशन कैसे करना है कौन से टेक्निक्स का यूज करना है फिनांस क्या है कैसे देना है आफ्टर सेल सर्विसेज कौन सी देनी है आपको उस प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए ये सभी चीजें में आती हैं मार्केटिंग में अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग यानी मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो सबसे पहले चीज मार्केटिंग रिसर्च करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मार्केटिंग रिसर्च करता है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कस्टमर की क्या नीड एंड वांट्स है और कैसे उसको सेटिसफाई किया जा सकता है उसके बाद प्रोडक्ट को बनाया जाता है प्लान प्लानिंग की जाती है और डेवलप किया जाता है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं फिर बाइंग एंड सेलिंग असेंबलिंग का भी जो है फंक्शन परफॉर्म किया जाता है पैकेजिंग की जाती है प्रोडक्ट की स्टैंडाइड स्टैंडाइज और ग्रेडिंग की जाती है प्रोडक्ट की ब्रांडिंग यानी एक नेम डिसाइड किया जाता है प्रोडक्ट का प्राइसिंग की जाती है प्रोडक्ट की प्रमोशन की जाती है प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट प्रमोशन पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होलसेल के थ्रू किया जाता है सेलिंग की जाती है और स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग भी की जाती है प्रोडक्ट्स की बात है अपने यहाँ रिटेलर के वेयर हाउस पे होलसेलर के यहाँ स्टोर होता है वेयर हाउसिंग की जाती है और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से कस्टमर तक ट्रांसपोर्टेशन किया जाती है ये सारे फंक्शंस है जो कि मार्केटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस क्या है तो सबसे पहले चीज प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर ये बेसिक या ऑब्जेक्टिव होता है सभी कंपनीज़ का कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई हो तो आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा देन है इंक्रीजिंग डिमांड डिमांड को बढ़ाना प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर कस्टमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट देना क्योंकि अगर बेटर क्वालिटी देंगे तभी वो कस्टमर क्या होगा सेटिसफाई होगा डिमांड बढ़ेगा क्रिएट गुड विल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के गुड विल क्रिएट करना और जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम कंपनी के लिए प्रॉफिटेल सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे और जिसमें से डुअल ऑब्जेक्टिव मेन है देट इज़ प्रॉफिट मेकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम बात करें कि व्हाट व्हाट इज़ मार्केटेड यानी कि किन चीज़ों की मार्केटिंग की जाती है तो दस ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मार्केटिंग की जाती है सबसे पहले चीज़ है गुड्स यानी जैसे मशीन टीवी कार कार्रक्स जो भी आप ड्यूरेबल गुड्स देखते हैं वो सभी क्या होते हैं गुड्स इनकी मार्केटिंग की जाती है तो दैन सर्विसेज की मार्केटिंग की जाती है जैसे होटल्स हो गए बावर्स हो गए कार एटल जितने भी सर्विस टाइप के नेचर के फंक्शन होते हैं बिजनेस होते हैं वो सभी की मार्केटिंग की जा सकती है देने तो इवेंट्स की मार्केटिंग की जाती है जैसे कि आप देखते हैं आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है कोई ओलंपिक्स हो रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो उन सबकी भी मार्केटिंग क्या है की जाती है आप न्यूज़ में देखते होंगे टी में देखते होंगे एक्सपीरियंस यानी कि आप जहाँ पर जाके कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं जैसे वाटर पार्क में गए वहाँ पर आपने इन्जॉय किया पार्क में किसी गए वहाँ पर इन्जॉय किया तो दैट इज़ उनकी भी आप क्या करते हैं मार्केटिंग कर सकते हैं पर्सनस किसी भी पर्सन की भी मार्केटिंग आप इजली करते हैं आप देखते भी होंगे अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर सब की इन सब थ्रू जो है मार्केटिंग की जाती है तो पसन्स की भी मार्केटिंग की जाती है कपिल शर्मा शो जो मार्केटिंग करते हैं प्रमोशन के लिए तो वो क्या है पर्सन उनकी मार्केटिंग जाती है प्लेसेज की मार्केटिंग आप कर सकते हैं जैसे कोई टूरिस्ट प्लेस है हेडकोर्टर्स है जहाँ पे फैक्ट्रीज है ऐसी है, होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वहाँ की भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं रियल इस्टेट्स जो आप देखते हैं सहारा हो गया जी हो गया ऑर्गेनाइजेशन की आप मार्केटिंग कर सकते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी है म्यूजियम से उनकी मार्केटिंग की जाती है आइडियाज़ की मार्केटिंग आप कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी खास कर करती है इन्फॉमेसन यानी बुक्स की भी मार्केटिंग कर सकते हैं जैसे कि आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं वो अपनी मार्केटिंग करते हैं हमारे बुक्स बेस्ट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तो ये दस चीज़ें हैं जिनकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं तो मार्केटिंग करता कौन यानी हूँ मार्केट्स तो बात है 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 मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटर जो है, वो मार्केटिंग करता है, ए पर्सन और कंपनी और प्रमोट समथिंग फॉर सेलिंग ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई कंपनी जो सेलिंग के लिए एडवर्टाइज करती है उसको क्या कहते हैं मार्केटर और वही मार्केटर क्या करता है मार्केटिंग करता है अब तीन टर्म्स हैं मार्केट प्लेस मार्केट स्पेस और मेटा मार्केट ये तीन टर्म्स नॉर्मली पूछा जाता है तो मार्केट प्लेस क्या होता है मार्केट प्लेस यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे फिजिकली वो शॉप एग्जिस्ट करते हो वहाँ से आप क्या करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो मार्केट प्लेस क्या है इज फिजिकल सच एज स्टोर मार्केट स्पेस मार्केट स्पेस में सिक इन डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ से आप क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो मार्केट स्पेस यानी मार्केट इन स्पेस तो स्पेस यानी कि नेटवर्क तो शॉप ऑन द इंटर जैसे कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो ये क्या है मार्केट स्पेस है और वहाँ पे एक थर्ड टर्म आता है मेटा मार्केट मेटा मार्केट में क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री यानी कि किसी एक इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जब वो सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है मेटा मार्केट जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनीज आप देखिए ऑटोमोटाइल ऑटोमोबाइल मेटा मार्केट वहाँ पे क्या है कि आपको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती है फिनांसिंग कंपनीज होती है इंश्योरेंस कंपनीज़ होती है स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं सर्विस वाले ऑटो साइट्स होते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको एक ही जगह पे जब सारी फैसिलिटी मिल जाती है तो उस टाइप के मार्केट को क्या कहता मेटा मार्केट अब हम बात करेंगे कोर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि फंडामेंटल और सेंट्रल कॉन्सेप्ट दैट इज इसशियल यानी कि किसी भी चीज का कोई कोर कॉन्सेप्ट कह रहे हैं यानी कि उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिक चीज होती है या सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है इसेंशियल होता है उस चीज़ की बात हो जाए तो इसी तरह से यहां पर हम बात कर रहे हैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग का जो फंडामेंटल है जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम देखेंगे कि, क्या सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कोर्टल मार्केटिंग क्या है आइडेंटिफाइंग एंड सेटिसफाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली तो इसी डिफिनेशन से हमारा जो है कोर कॉन्सेप्ट निकलेगा कि जो कोर कॉन्सेप्ट है बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसेंशियल पार्ट है मार्केटिंग का वो इसी डिफिनेशन से निकलेगा कि कौन कौन से चीजें हैं जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है तो आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वॉन्ट्स प्रॉफिटेबली ये फिलिप कोर्टलर ने डिफिनेशन दी है तो यहाँ पे आप डिफिनेशन में देख रहे होंगे कि हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कुछ और किसी तरीके से सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन की नीड एंड वांट्स को प्रॉफिट अर्न करते हुए तो आइए देखते हैं क्या आइडेंटिफाई करते हैं क्या सेटिस्फाई करते हैं तो आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं नीड वॉन्ट्स और डिमांड नीड बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वॉन्ट्स डिजायर टू हैव समथिंग बट नो विलिंगनेस और कैपेबिलिटी टू पे एंड डिमांड डिजायर ऑफ सम प्रोडक्ट बैक बैक केपेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे तो नीड वॉन्ट डिमांड को हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमारे दूसरे वीडियो में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहाँ से भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन की नीड वॉन्ट और डिमांड को और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम सेटिस्फाई करते हैं तो सेटिसफाई कैसे करते हैं सेटिस्फाई करते हैं कि एक मार्केटर होता है जो कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि क्या करता है प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है वो क्या डेवलप करता है प्रोडक्ट डेवलप करता है प्रोडक्ट क्या है एनी थिंग दैट सेटिसफाई कस्टमर नीड एंड वांट्स कुछ भी कोई भी चीज हो सकती है जो किसी ह्यूमन की कोई भी नीड या वांट को फुलफिल कर उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं वो प्रोडक्ट जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं किसके साथ कस्टमर्स के साथ यानी ह्यूमन के साथ एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अदर थिंग ऑफ सेम वैल्यू दैट इज़ एक्सचेंज तो एक्सचेंज करने पर हमें क्या मिलता है कस्टमर को भी वैल्यू मिलती है और मार्केटर को भी वैल्यू मिलती है और वैल्यू क्या है वैल्यू इज़ एनी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट्स दैट द कस्टमर और मार्केटर uh, रिसीव्स तो वैल्यू जो है वो दोनों को मिलती है एक्सचेंज करने पर और सैटिस्फैक्सन मिलता है सेटिस्फैक्शन दोनों को मिलेगा मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको वैल्यू मिली है मनी मिला है तो वो सेटिसफाई होगा वहीं पे हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसने कुछ ना कुछ मनी पे किया है और उसके बदले जो उसको प्रोडक्ट मिला है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो सेटिस्फैक्शन देगा यानी कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू रिसीव्ड एंड कॉस्ट अगर जो कॉस्ट आया है और जो वैल्यू रिसीव्ड है वो बराबर है उससे ज़्यादा है तो वो सेटिसफाई होगा और अगर जो कॉस्ट उसने दी है और जो वैल्यू रिसीव की है वो कम है कॉस्ट ज़्यादा है वैल्यू रिसीव जो की है वो कम है तो फिर वो डिससेटिस्फाई होगा तो मीन्स कि सेटिसफाई ये सारे ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं मार्केटिंग में क्योंकि पूरे मार्केटिंग में आप इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेंगे यही चीज़ें इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि आप ह्यूमन की नीड व डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद मार्केटर जो है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है एक्सचेंज करता है वैल्यू देता है रिसीव करता है और सेटिसफैक्शन वाली चीज़ें होती हैं चाहे वो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू हो तो यही चीज़ें क्या है सेंट्रल कॉन्सेप्ट यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑफ मार्केटिंग का यानी कि ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के इन्हीं पे पूरा मार्केटिंग डिपेंड है नीड वांट डिमांड प्रोडक्ट वैल्यू एक्सचेंज सेटिस्फैक्शन और मार्केटर तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है नीड बाउंड डिमांड है मार्केटर है प्रोडक्ट है एक्सचेंज है वैल्यू है सेटिस्फैक्शन है तो यही इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेसिक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जो कि इसेंशियल होते हैं मार्केटिंग के लिए तो होप कि आपको समझ में आ गया कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या है और क्या लिखना है आपको तो विश यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू